बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिंदुस्तान में एक लड़की का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा हो, और वो कह रही थी कि मुसलमान हैं जिन्होंने अहले बैत हज़रत अली को शहीद किया और इमाम हसन इमाम हुसैन को। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको शहीद करने वाले लोग जो थे वो मुनाफिकीन थे और मुशरिक थे, और कभी भी एक सच्चा मुसलमान ना कभी मुशरिक हो सकता है और ना ही कभी मुनाफिक हो सकता है। इस्लाम का लिबादा ओढ़ के, कलमा पढ़ के जिन लोगों ने हज़रत अली को शहीद किया या करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, वो मुसलमान नहीं थे। वो आज के दौर में भी अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ लेते हैं, जो हमारे कुरान पाक को अरबी में हिफ्ज़ भी कर लेते हैं, और वो किस तरीके से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और मुसलमानों को हो ही शहीद कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो सच्चा मुसलमान होता है वो ये होते हैं जो हज़रत अली या अहले बैत में से किसी का नाम आए तो अपनी गर्दन कटाने को तैयार होते हैं।